हेलो दोस्तों, मैं वसुंधरा एक बार फिर से आप सभी का यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ और लास्ट में इससे रिलेटेड आपकी राय लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाली हूँ यार, वो है एंगर के ऊपर, हमारे एग्रेशन के ऊपर। आज के टाइम में पता क्या होता है, जिस पर्सन के अंदर गुस्सा है ना, जिसको गुस्सा आता है या एंगर आता है, वो अपने आप में पता नहीं क्या समझता है खुद को। उनको ये लगता है यार, मैं गुस्से वाला हूँ तो मेरा वट्टी अलग है, मेरा रो भी अलग है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपका आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है ना, आपका आपके एंगर पर कंट्रोल नहीं है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। हमें हमेशा अपने एंगर पे, अपने एग्रेशन पे, यहाँ तक कि अपने सभी इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ये रियलिटी है दोस्तों। आज के टाइम में जो भी पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी भी गुस्से वाला कोई भी इंसिडेंट होता है, वहाँ पर अपना एग्रेशन दिखा देता है, तो वो ये समझता है कि मैं पावरफुल हूँ, जबकि गुस्सा आना एक कमजोरी है, ताकत नहीं है। यही चीज़ हमें समझनी है, इसी चीज़ पर हमें काम करना है और यही फ़र्क ला करके दिखाना है। जिस इंसान को ये पता होता है कि कहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करके गुस्सा दिखाना है और कहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल कर शांत रहना है, वही इंसान आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इवन आप अगर कहीं पर रिसर्च भी करेंगे, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू रिसर्च करें, इवन मेडिटेशन तक यही सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने गुस्से को शांत करके, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और समझदार बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, अपने सभी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, चाहे वो गुस्सा हो, चुप्पी हो, खामोशी हो या फिर रोना ही क्यों ना हो। हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी भावना के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, और जिस दिन हम ये कंट्रोल खुद पर लाना सीख लेंगे, उस दिन हम रियल में पावरफुल बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप किस बात से सहमत है और आपके इस बारे में क्या राय है? क्या आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। देखते रहिए यस टीवी। थैंक यू।